जी हेलो जी, आदरणीय वसंत चौबे जी बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं मोबाइल वाणी से राजेश तिवारी। जी जी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मोबाइल वाणी पर। जी जी। और आज एक छोटा सा साक्षात्कार आपका हम लेना चाह रहे हैं ई श्रम के विषय में। जी, जो ई श्रम सर्टिफिकेट इस समय तैयार हो रहे हैं भाई साहब। जी। तो मैं इस विषय में पहले तो मोबाइल वाणी से आपका परिचय कराना चाहूंगा। जी जी। मैं अभी सभी हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैं पूर्व मंडी अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री बसंत चौबे जी से मुलाकात कर रहा हूं और मोबाइल वाणी के माध्यम से सभी को रूबरू कराना चाहूंगा आदरणीय चौबे जी को। ई श्रम कार्ड जो कि इस समय हमारी श्रृंखला चल रही है, मेरी भी आवाज सुनो, इस श्रृंखला के तहत हम जानना चाहेंगे ई श्रम कार्ड के विषय में आदरणीय श्री चौबे जी से। तो चौबे जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ई श्रम कार्ड के विषय में आप कुछ जानकारियां देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विषय में। जी 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 तिवारी जी। जी तिवारी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है मजदूरों के कल्याण के लिए ई श्रम कार्ड योजना लागू की गई है। जी जी। और योजना लागू की गई है उसके दौरान जो है अभी ज्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार का अभाव है, जिसके कारण अभी ई श्रम के कार्ड के पूरे पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास है कि मजदूरी के क्षेत्र में काम करने वाले, श्रम से जुड़े हुए, चाहे वो किराना दुकान में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे होटल पे काम करने वाले व्यक्ति हो, सिलाई कढ़ाई करने वाले हो, हाथ ठेला चलाने वाले हो, रिक्शा चलाने वाले हो, या जो भी मजदूरी करने वाले खेतीहर मजदूर हैं, और ऐसे सारे लोगों को इस ई श्रम कार्ड योजना से जोड़ा गया है ताकि भविष्य में इनको जो है इनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाएं तैयार की जा सके और इनके कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सके, ताकि इनका लाभ जो है इनके परिवार को, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे इनकी उन्नति कराने के लिए आगे जो है बढ़ाया जा सके, ऐसा योजना जो है चलाई गई है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस गति से ई कार्ड पंजीयन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और इससे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का अभाव है। अगर होगा कि उचित यही होगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रचार प्रसार और पंजीयन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभान्वित हो सके और सरकार की योजना का लाभ उठा सके, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ई श्रम कार्ड योजना बहुत अच्छी योजना है, मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वो लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इसके माध्यम से जो है 2 लाख रुपए का बीमा भी उन व्यक्तियों का जिनका पंजीयन होगा उनका उनको लाभ मिलेगा, साथ ही उनके परिवार के लिए जो है और भी केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी तैयार करके जो उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी उनका फायदा उनको मिल सकेगा। यही मेरा कहना है कि प्रचार प्रसार में थोड़ी गति आनी चाहिए ताकि जो पात्र लोग हैं उसका उससे लाभान्वित हो सके। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रदान की है मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे आदरणीय चौबे जी को कि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपने दिया। ई श्रम कार्ड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां और क्षेत्र में आ रही समस्याओं से आपने हमें अवगत कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको मोबाइल वाणी से राजेश तिवारी जी, धन्यवाद।